लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण बेहद नजदीक है। यूपी की 13 सीटों पर भी 1 जून को वोटिंग होने वाली है। पूर्वांचल की इन सीटों पर असल जंग और यादव जो गैर यादव ओबीसी है उनको लेकर है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में यूपी की बाकी बची हुई 13 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। इस सीटों पर यादवों से अधिक कुर्मी, कुशवाहा, राजभर, बिंद, चौहान, पाल, प्रजापति और निषाद समेत गैर यादव पिछड़ी जातियों की आबादी ज्यादा है, लिहाजा इन सीटों पर चुनावी समीकरण बनाने बिगाड़ने में इन जातियों की बड़ी भूमिका रहती है। ऐसे में सातवें चरण के मतदान में एनडीए और इंडिया के बीच अपनी अपनी बढ़त के लिए गैर यादव ओबीसी मत हासिल करने के लिए भी जंग होगी। इसी समीकरण को ध्यान में रखकर पक्ष और विपक्ष ने कई सीटों पर इन जातियों के उम्मीदवार उतारे। दोनों तरफ के प्रत्याशियों की सूची पर अगर हम गौर करें तो साफ हो जाता है कि एनडीए और इंडिया ने गैर यादव ओबीसी जातियों पर खुलकर दाव लगाया। वहीं पिछले चुनाव में सातवें चरण के 2 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली बसपा ने भी 2 सुरक्षित सीटों बांसगांव और रॉबर्ट्सगंज को छोड़कर कई पर पिछड़ों को मैदान में उतार दिया। आंकड़ों के मुताबिक आखिरी चरण के 13 में से 7 सीटों पर गैर यादव ओबीसी चेहरा उतारा गया है, वहीं 3 सीटों पर गैर यादव ओबीसी चेहरा आमने सामने है। कुर्मी, बिंद, कुशवाहा और राजभर जाति के उम्मीदवार उतारे गए हैं, जबकि 4 सीटों में से एनडीए ने 2 पर कुर्मी और निषाद पर दाव लगाया है। इंडिया ने भी 2 सीटों पर कुर्मी और निषाद को उतारा। अब यहां आपको आखिरी चरण के 29 सीटों के प्रत्याशियों के बारे में बताते हैं जो कि गैर यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं। इनमें मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल जो कि अपना दल एस के टिकट पर चुनावी मैदान में है और एनडीए की प्रत्याशी है और एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार हैं। वही आईएनडीआईए की तरफ से रमेश बिंद को प्रत्याशी बनाया गया है जो कि सपा के टिकट पर ताल ठोक रहे हैं। वही महाराजगंज में भाजपा ने पंकज चौधरी को मैदान में उतारा, जिनका मुकाबला सपा के वीरेंद्र चौधरी से होगा। सलेमपुर से रविंद्र कुशवाहा भाजपा से ताल ठोक रहे हैं, तो वही समाजवादी पार्टी ने रमाशंकर राजभर को चुनावी मैदान में उतारा। अगर एनडीए की बात करें तो इस चरण की 13 में से 2 सीट सहयोगी पार्टी अपना दल एस और 1 सुभाजपा के खाते में है। भाजपा मोदी के सहारे ही अंतिम चरण की सभी सीटों के समीकरण को साधने की कोशिश में है, लेकिन प्रत्याशियों के चयन में भी दोनों तरफ से अंतिम चरण की सीटों पर गैर यादव पिछड़ी जातियों के समीकरण का ख्याल रखा गया है। इसीलिए इन बिरादरियों के चेहरे को ही मौका दिया गया। दोनों गठबंधनों का मानना है कि पूरब में राजनीतिक रूप से सक्रिय इन जातियों को मौका देने से इनकी उपजातियों पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसका फायदा चुनाव में मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।